इस खबर के पेश करता है अरबियन जूसेस एंड सलाड्स। एक व्हाट्सएप आपको किसी अरब ममालिक से आया, उसमें लिखा हुआ है कि एक अरब कह रहा है हबीबी, माने मोदी को कह रहा है हबीबी, आठ रुपए की चीज तू 80 में बेचता है। तो मोदी जी बोले, इट इज बिजनेस ब्रदर, दिस इज बिजनेस, ये बिजनेस है। अब वो आ गया आपको चंद्रायन गुट्टा में, बारकस में आ गया। अब वो बेचारा देख के बोला, पूरे अरबों का इलाका है, यमनियों का गयूर कौम है वो, तो उन्होंने क्या करे, व्हाट्सएप को फॉरवर्ड कर दिए। एक हो गया। दूसरा, आप घर को जा रहे दारुसलाम से निकल के, हमको भी आता, व्हाट्सएप आया, जरा आते आते कोतमीर का कट्टा ला लो, जरा आते आते सौदा ला लो। घर में को आगे नामपली मार्केट से, चौक की मार्केट से मुर्गी कटा के लाओ, व्हाट्सएप पे आता। और क्या करते औरतें बीवियां आजकल, जरा उस पर जोर देने के लिए एक इमोजी आता, इमोजी मालूम ना, गुस्से का चेहरा डालते, लाना देखो आप, देख के बोलते अरे क्या है रे, कोतमीर का कट्टा बना दिए मेरे को। खैर आप लेके चले गए। अब नरेंद्र मोदी की हुकूमत क्या कह रही, कैसा तुम फॉरवर्ड करे कोतमीर का कट्टा, कैसा फॉरवर्ड करे हया हबीबी को, ओरिजिनेटर कौन है और कानून ये बनाए कि इसके ऊपर पब्लिक ऑर्डर पैदा हो सकता। अगर अरब ममालिक से कोई व्हाट्सएप आया तो मोदी हुकूमत ने कानून बना दिया कि भारत के और उस अरब ममालिक के ताल्लुकात खराब हो सकते, ये भारत की सॉवरनिटी का मसला, आप पे केस बुक करेंगे। अब तुम बताओ कहां से ओरिजिनेटर हुआ ये रूल्स हैं उसके, ये उसके रूल्स हैं, आईटी रूल्स में निकाल के लाया। थोड़ा कल रात में जरा बैठा था, जो जानकार लोग हैं उनसे पूछ रहा था कि क्या है भाई ये, माने आपको बताना पड़ेगा कि फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, आखिर ये क्यों, आपको क्यों फिकर भाई, मैं कोतमीर का कट्टा लेके जाता हूं, आलू लेके जाता हूं, भाजी लेके जाता हूं, आपको क्यों फिकर। बोलेंगे नहीं नहीं देखो उन्होंने कैसी बात कर रहे, आप क्यों देखना चाह रहे मेरे मैसेज को, जितने न्यूज के चैनल हैं, चाहे वायर हो, कैरावान हो, स्क्रॉल हो, प्रिंट हो, ये डिजिटल न्यूज चैनल है, इनको भी कानून लागू। बाहर के अगर अखबारात यहां से, जैसा न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉशिंगटन पोस्ट है, ये तमाम अखबारात अगर न्यूज, आप बताओ ओरिजिनेटर क्या करें, आप उन पे भी एक्शन क्या करेंगे, इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाएंगे और वो लोग ये देखेंगे कि न्यूज अगर गलत है आप माफी चाहना, ये डिलीट करना, और नहीं तो फिर आपके ऊपर ऑफेंस लगा देंगे। मोदी जी ये क्यों कर रहे आप। अच्छा, नरेंद्र मोदी साहब का कल दिख रहा था, मैं मालूम किया, दिसंबर 2017 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने अपने बीजेपी के एमपी को कहा था, शिकायत की बल्कि, कि तुम लोग मेरे को जवाब नहीं देते मित्रों, एमपी को कहा, सही कहा, जोक नहीं है, तुम मेरे को जवाब नहीं देते, मैं तुमको गुड मॉर्निंग का मैसेज भिजाता हूं, तुम वापस मेरे को गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं भिजाते। अरे प्राइम मिनिस्टर अपने एमपी से बोल रहे कि मैं तुमको गुड मॉर्निंग का मैसेज भिजाता हूं और तुम मेरे को वापस गुड मॉर्निंग नहीं बोलते। मोदी जी उन्हें गुड मॉर्निंग नहीं बोला तो हमारी मॉर्निंग क्यों खराब कर रहे आप। अरे आप क्यों, आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोले, आप क्यों बोलना गुड मॉर्निंग, आपको नहीं बोलते गुड मॉर्निंग, हम बोलते किसानों का काम करो, हम बोलेंगे दिल्ली के फसादात में मरने वालों से इंसाफ करो, सिखों से इंसाफ करो, मगर मोदी जी बोल रहे मेरे को गुड मॉर्निंग का जवाब भी नहीं देते मेरे एमपी। ये टीवी वाले बोलेंगे, कब बोले उन्होंने, बोलो दिसंबर 2017 देख लो जाके, अगर थम्स अप है तो कुछ नहीं कर सकते, हम भी है मगर थोड़ा थोड़ा पढ़ना आता मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इसीलिए हम ये आईटी रूल्स के खिलाफ हैं, हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसको निकालिए,
ये भारत के संविधान के खिलाफ है। आप प्राइवेसी का जजमेंट आ गया, डेटा के रूल्स क्यों नहीं बनाते आप? डेटा के रूल्स बनाइए ना, कुछ नहीं बनाएंगे आप? नहीं, कोई बस हर चीज पे झांकना, हर एक की कुंडी में मुंडी डालना, बोलते हैं हैदराबाद में अपन, अरे कई को डाल रहा है, हर एक की मुंडी में कुंडी में मुंडी, इनको बड़ा शौक, हर एक की कुंडी में मुंडी, क्या हो रहा, तुम क्या कर रहे, क्या खा रहे, क्या पी रहे, क्या पहन रहे, किससे शादी कर रहे, उससे शादी मत करो, इससे करो, अरे आपको क्या जरूरत है भाई साहब? मैं तो कर रहा हूं ना, घर में है, आपको क्या करना है? कोतमीर का कट्टा ही लेके जा रहा हूं, मगर वो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है आपको फिक्र नहीं है? दिल्ली के फसादात के बारे में, एक साल हो गया दिल्ली के फसादात होकर, फैजान को किसने मारा? भारत के वजीर आजम बताइए, हम पूछना चाह रहे हैं। फैजान को, वो बच्चा जो चार बच्चे जमीन पर लेटे हुए थे, हजरत पुलिस जिनको मार रही थी और जनगण मन पड़ो, मिस्टर मोदी फैजान को किसने मारा? फैजान को मारने वालों को आप क्यों नहीं पकड़ते? जिन्होंने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, उनको नहीं पकड़ते, वो आराम से फिर रहे हैं, बैठ रहे हैं। फैजान मर गया, उसकी फिक्र नहीं है? और फिर कितनों का नाम लूं मिस्टर मोदी, बताइए आप? आपके सामने नाम ले रहा हूं, ये कैरावान मैगजीन का पहली मार्च का रिपोर्ट है। एक फैजान खान नाम का बच्चा खाली सिम कार्ड बेचा, 4 महीने जेल में था, उन्हें कोर्ट उसको बेल दी। अशफाक हुसैन इलेक्ट्रिक शॉप का, उसको जिस्म पे 5 गोलियां मार दिए, 10 दिन पहले मरने से पहले अशफाक की शादी हुई थी। मिस्टर मोदी, इससे इंसाफ कब होगा? फिर इसमें 15 साल का नितिन कुमार, ये हमारा हिंदू भाई का बेटा था, खाना लाने के लिए निकला 26 फरवरी को, उसके वालिद को फोन आया कि उसकी डेड बॉडी जीटीबी हॉस्पिटल में, कौन मारा नितिन कुमार को? 85 साल की अकबर बेगम को जिंदा जला दिया गया, 19 साल की आखिब को सर पर मारकर कत्ल कर दिया गया, आमिर जिसकी 4 साल की बेटी आज भी अपनी बाप के लिए तड़पती है, आमिर खान और हाशिम दो मर गए, दोनों भाई थे, कोई इंसाफ नहीं। मोहम्मद वकील 52 ईयर्स, उसके आंख में लाके एसिड फेंक दिए, आज भी वो तड़प रहा है, कोई इंसाफ नहीं मिलता। और फिर 24 फरवरी के दिन दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फुरखान को गोली मारकर शहीद कर दिया, चश्मदीद गवाह है मिस्टर मोदी, आप इंसाफ नहीं कर रहे, हुकूमत आपकी। हम चाहते हैं कि हुकूमत इंसाफ करे, इंसाफ करने से ही अमन पैदा होगा, अमन मजबूत होगा। अगर हुकूमत वाकई में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करती है, तो भारत के प्रधानमंत्री को दिल्ली के फसादात में मरने वालों से इंसाफ करना पड़ेगा। 52 लोग मर गए, जिसमें से 41 मुसलमान थे और मां बाकी हमारे हिंदू भाई थे, सबसे इंसाफ करना है। जेनोसाइड हुआ वहां पर, अब तक 1 साल हुआ, कुछ नहीं हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि कोविड के लिए वैक्सीन आया है, वैक्सीन ले लीजिए। वैक्सीन लेना है आपको, अपनी जान को बचाना है, इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से हमारे लोगों को हमने खो दिया, ये अल्लाह का बड़ा फजलो करम है कि अहमद पाशा कादरी साहब को 2 मरतबा कोविड हुआ, मगर अल्लाह ने उनको सेहत दे दी, अल्लाह का बहुत बड़ा करम। इम्तियाज जलील को कोविड हुआ, अल्लाह ने उनको शिफा दे दी। बहुत से हमारे राकी ने बल्दिया को हो, अल्लाह ने उनकी शिफा दे दी। बास मजलिस के चाहने वाले, मजलिस के जिम्मेदारान, उनकी मौत हो गई, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। हमारे मुल्क में 1,70,000 से ज्यादा लोग का इंतकाल हो गया कोविड वायरस से। इसीलिए मेरी आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है कि इंजेक्शन लगाइए, डरने की जरूरत नहीं है। अब आए वो लगे तो ऐसा होता, कुछ नहीं होता, घर में इतने बातें सुनते, बीवी के जरा खाली चुमटी लिए तो कुछ नहीं होता, ले लो जाके। इंजेक्शन लेने का है, वायरस से बचना है, और पहले आप भी लो, अपने घर वालों को दिलाओ, खाली जाके बेगम के साथ ओ मैं ले लिया देखो, नहीं, अपनी बेटी को भी, जो 20-22 जो बड़ी उम्र की है, अपनी माँ को, अपनी दादी को, पहले बुजुर्गों को दिलाओ, जो 65 साल के ऊपर है पहले उनको दिलाना, उनको पहले दिलाना है। लीजिए इंजेक्शन, और मेरी आपसे गुजारिश है
कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इब्तदाइयों को और मजबूत करिए और अपने बुजुर्गों के जज्बे को जिंदा रखिए, इखलास के साथ काम करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे HN News को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।